जो रॉ मटेरियल है वैसे ये भारत में ही बनता था, वैसे कपड़ा बनता है, मगर वो रॉ मटेरियल बाहर जाता था, बाहर तो जाके फिर कपड़ा तैयार होकर यहाँ आता था। तो उस गांधी जी की सोच ऐसी भी यहाँ जो चीज़ बनती है तो यहाँ भी उनका जो कोई कोई चीज़ बने और यहाँ भी बिक्री हो तो खेडूत को भी उसमें कोई बेनिफिट मिले। The charkha or the spinning wheel as a concrete symbol of rural self-sufficiency became a passion with Gandhi, who projected the wheel as a national necessity which would supplement the slender resources of the poor. Gandhi ji ne to pure India mein 1925 mein charkha sangh ki sthapna ki thi, tab desh azad bhi nahi hua tha, tab se khadi ka kaam shuru hua tha. For the next 5 years Gandhi seemingly retired from active agitational politics and devoted himself to the propagation of what he regarded as the social and economic needs of the nation. जब देश आजाद हुआ तो देश गरीब था, उसके पास कुछ काम नहीं था, इसलिए पहले वो खादी की शुरुआत तकली से की थी। तो मेन खादी के हिसाब से ये सब संस्था पूरे इंडिया में, हमारी संस्था नहीं मगर पूरी इंडिया में खादी का जो काम हो रहा है वो उसी टाइम से चल रहा है। हमारी संस्था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1940 में शुरू किया था, गुजरात खादी ग्रामोद्योग मंडल। उसके बाद मोरारजी भाई देसाई रहे थे, उनके बाद मणिबेन नानावटी थी। तो वो जो फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी विचार के थे, जो काम किया था देश के लिए, वो लोग ही ये संस्था के ट्रस्टी अब तक भी वही हैं। मेन ट्रस्ट है हमारा गुजरात खादी ग्रामोद्योग मंडल, और इसका कलम कुछ एक यूनिट है, कलम कुछ में पेपर बनता है, सब अलग अलग यूनिट से चला जाता है। कलम कुछ यूनिट पहले छोटे पाए पे था, तब गांधी आश्रम में चला, तब पूरा काम हाथ से किया जाता था, और 1956 तक वहाँ गांधी आश्रम में रहा। गांधी आश्रम में चालू हुआ तब थोड़ा उसका वर्किंग बढ़ गया, और फिर ये इधर चेंजेस किया कलम कुश। ये कलम कुश का नाम काका कालेकर ने दिया है, कलम यानी पेन, ये कागज़ पे लिखने से कुश हो जाती है, इसलिए उसका नाम कलम कुश रखा है। कलम कुश में मेन जो कागज़ बनता है वो कॉटन कपड़े से बनाया जाता है। जो कॉटन कपड़ा वो मार्केट से लिया जाता है, कॉटन कपड़ा आने के बाद उसको सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग करने के बाद उसको मशीन में कटिंग किया जाता है। वो जो हैंडमेड पेपर बनता है इको फ्रेंडली है, कॉटन वेस्ट से हम बनाते हैं। कटिंग करने के बाद उसका पैकिंग 50 केजी का करके उसको बीटर मशीन पे लिया जाता है, बीटर मशीन के बाद उसको पल्प बनाया जाता है। पल्प बनने में बीटर मशीन में 6 घंटा लगता है, तब 80 किलो माल तैयार होता है। पेपर बनता है जो मिल पेपर बनता है वो जंगल में जो मेरे ख्याल से बाम्बू के उसका पल्प से बनता है, तो उनका स्ट्रेंथ इतना नहीं आता है, और ये कपड़े जो वेस्ट कॉटन है उससे बनता है तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। पल्प बनने के बाद उसको हाथ से पेपर बनाया जाता है, उसको जो बनाने वाले हैं वो कोचिंग और लिफ्टिंग बोलते हैं, उसको हाथ से बनाया जाता है। बनाने के बाद उसको एक कपड़े पे पल्प लिया जाता है, बाद में उसकी गड्डी बनाई जाती है पेपर की, करीब 140-150 रंग की। वो न्यूट्रल होता है, बाद में ऑर्डर के हिसाब से जो बनाता बनाना है वो बना सकते हैं। पेपर से जो ऑर्डर मिलता है, इनवेलप बनाना है, फाइल बनाना है, जो भी बनाना है बन सकता है उसका ऑर्डर के मुताबिक। बाद में उसको हाइड्रोलिक प्रेस है, प्रेस में डाला जाता है, प्रेस में उसको पानी सब निकाल दिया जाता है। वो मिल का पेपर आपके जेब में रह जाए, कपड़ा आप कपड़ा धुलाई में गलती से दे दिया तो कागज टोटल खत्म हो जाएगा, ये कागज ऐसा ही रहेगा, आप खोलेंगे तो बाद में ऐसा ही रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। उसका निकालने के बाद कपड़े और कागज अलग किया जाता है, और बाद में उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको दूसरे दिन स्टैंड में से उतारा जाता है, उतारने के बाद उसको थोड़ा सॉर्टिंग करते हैं, बाद में उसको कैलेंडर मशीन में पॉलिश करते हैं। पहला ऐसा कुछ नहीं बनाते हमने, थोड़ा थोड़ा देखा भी, अभी मार्केट क्या चलता है अभी वो देखना पड़ता है, तो हमने नया नया प्रोडक्ट रखा, डायरिया बनाया, फ़ोटो फ्रेम बनाया, फ़ोटो एल्बम बनाया, अलग अलग कैरी बैग बनाया,
जो भी नया नया बनाया जा रहा है इसमें से जोरा भी रिस्पॉन्स मिलता ही रहता है, प्रोडक्ट में अभी अच्छा रहता है, पेपर तो जाता ही रहता है लेकिन जो प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट में भी, और जब अभी तो मार्केट में कुछ नया करेंगे तो ही चलेगा ऐसा है। पॉलिश करने के बाद उसको कटिंग करते हैं मशीन में, कटिंग के बाद उसको सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग के बाद हम पैकिंग करते हैं, जो थिक वाला आता है वो 100 रंग का पैकिंग करते हैं और पतला वाला पेपर आता है वो 250 रंग का पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद माल स्टोर में चला जाता है। पहले तो स्टेशनरी बनती थी मगर उसके अलावा और चीज़ भी हम ऐसे कोई का ऑर्डर होता है बॉक्सी चाहे दूसरे खिलौने हैं डायरी है अलग अलग चीज़ और भी बनाते हैं, ऐसे गिफ्ट देने के लिए कोई चीज़ काम आए हैंडमेड पेपर की वो भी हम बनाने लगे हैं वैसे, और पेपर को हम ऐसे प्रिंट भी कराते हैं। पहले नॉर्मल पेपर बनता था वही था मगर अभी पेपर में हम देखेंगे तो लेदर पेपर भी बनता है, उस पर मार्बल टाइप की भी पेंट करते हैं, दूसरा भी प्रिंट करते हैं अलग अलग, तो वो दूसरी तरह भी पेपर का यूज हो सकता है। ये काम भी थोड़ा पानी में करना पड़ता है, सुबह से जो पूरा पानी में 5-7 घंटा काम करना पड़ता है वो भी थोड़ा ये है, तो क्योंकि अभी मजदूरी किसी को करना नहीं है, ज़्यादा मजदूरी करने वाले आदमी बहुत कम हो गए। सरकार को इसके बारे में जो है उसका ट्रेनिंग सेंटर है, वैसे KVIC है या तो KVIB है, वो लोगों को उसका ट्रेनिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग देने के बाद उसका सर्टिफिकेट दे के फिर ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों, ऐसा कुछ सरकार को भी न करना चाहिए और उनको भी थोड़ा कुछ सरकार की ओर से भी मदद मिलनी चाहिए कि भी वो लोग काम करने के लिए यहाँ तैयार हों।